हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर रेसिपी वीडियो। और आज हम बना रहे हैं चिकन कोशा, जो कि एक बंगाली प्रिपरेशन है चिकन का। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग लेंगे चिकन। और बंगाली डिश है तो ओब्वियसली यार आलू तो होना ही चाहिए, तो साथ में हम लेंगे आलू। और भाई हम लोग लेंगे हल्दी। यहाँ पे थोड़ा सा हल्दी उड़ गया था क्योंकि फैन चल रहा था गर्मी के टाइम में, जो भी हो, तो मैंने थोड़ा सा और हल्दी लिया था, नहीं तो एक बार में हल्दी चल जाए इनफ होगा। उसके बाद हम लोग थोड़ा सा लिए नमक, जो कि विश यार तो नमक के बिना कुछ भी खा नहीं सकते। उसके बाद हम लोग यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा जिंजर पेस्ट, उसके बाद थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट, और साथ में लेंगे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल। व्हाइट ऑयल नहीं चाहिए यहाँ पे, सरसों का तेल ही चाहिए, तभी यहाँ पे कोशा मांसू का एक्चुअल स्वाद आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना एकदम से। और थोड़ा सा लेंगे हम लोग यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च। डोंट वरी, ये तुमको उतना दिखाई नहीं करेगा, ये बस थोड़ा सा कलर के लिए है। सो अगर तुम इसको स्किप भी करना चाहो, अगर तुमको कलर पसंद नहीं है, बट थोड़ा सा कलर मेरे को अच्छा लगता है, बट ये वो कलर है, एक्चुअल कलर नहीं है, जो फूड कलर होता है वो नहीं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने गलती की, मैं यहाँ पे दही डालना भूल गया था, इसमें मैं थोड़ा सा बाद इसमें दही डाला। और दही से अच्छे से तुमको इसको क्या बोलते हैं, इसको मैरिनेट करना है, सॉरी मैरिनेट करके इसको तुमको 1 घंटे तक रख देना है ढक के, रूम टेम्परेचर या फ्रिज जो भी तुम चाहो वहाँ पे इजीली रख सकते हो। ठीक है, और पता है मैं तुमको, मैं पिछले पहले बार बोला था कि मैं वेज रेसिपी लेके आऊँगा, बट यार टाइम नहीं मिला, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट टाइम मैं जरूर वेज रेसिपी तुम लोग लेके आऊँगा। 1 घंटा हो जाने के बाद यहाँ पे तुमको लेना पड़ेगा 2 चम्मच सरसों का तेल, और यही इस कुकिंग का लास्ट ऑयल होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर तुम लोग थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल खाते हो तो तुम लोग बाद में ले सकते हो, बट ज़रूर नहीं है। फिर एक एक करके यहाँ पे आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेना। मेरे को यहाँ पे एक हाथ से दिक्कत हो रहा था क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ के रखा था, तो इसलिए मैंने कैमरा को छोड़ दिया और मैं फटाफट 8 आलू के पीसेस यहाँ पे फ्राई कर लिए। 5 मिनट करना है, थोड़ा सा ब्राउन कलर का हो जाएगा, उसके बाद तुमको इसको उठा के लेना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे फिर से मेरे को दिक्कत हो रहा था, एक हाथ से कैमरा नहीं देखा तो मैंने निपटा दिया। और उसी कढ़ाई में मैंने यहाँ पे थोड़ा सा जिंजर पेस्ट और गार्लिक पेस्ट दे दिया गाइस। और पता नहीं क्यों इस बार थोड़ा सा ये कुछ ज़्यादा ही फट रहा था, तो मैंने थोड़ा सा मेरा डर डर के इसको वो कर रहा था, क्या कुक कर रहा था, सो जो भी हो वो गाफिज मेरे शरीर पे छींटे लग रहे थे, मेरे को डर लग रहा था, बट जो भी हो। उसके बाद यहाँ पे मैंने प्याज दे दिया, और प्याज को बस 2 मिनट तक कढ़ाई पे थोड़ा सा वो हल्का सा फ्राई कर लिया, ज़्यादा फ्राई नहीं करना तुमको, प्याज को एकदम ध्यान रखना। ठीक है, नहीं तो वो एकदम से गल जाएंगे, एकदम गल जाएंगे वो, शुरू पे हमको नहीं कराना प्याज को। फिर जिस बर्तन पे दही लिया था उस पे मसाला ले लिए, हल्दी ले लिया, नमक ले लिया, फिर धने जीरे मिर्च ले लिया, और ये अपना घर का लाल मिर्च है तो ये थोड़ा ज़्यादा स्पाइसी होता है, तो मैं इसको बहुत ही कम लिया। स्पाइस और नमक तुम अपने अपने स्वाद अनुसार ही ले लेना। ठीक है, अगर तुमको स्पाइस ज़्यादा पसंद है लाइक मी, तो तुम ज़्यादा स्पाइस ले सकते हो। फिर उसी कढ़ाई में प्याज का तुमको इसको एकदम अच्छे से 2 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसको तेल में फ्राई करना है मसाले को, ताकि मसाले का असली स्वाद आए। और कुछ देर बाद मैंने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च डाला। ठीक है, फिर से ये थोड़ा कलर के लिए, ये तुम ये स्टेप कैंसिल कर सकते हो, बट मेरे को थोड़ा सा वो लाल लाल चिकन होता है, मेरे को देखने में अच्छा लगता है। वो अलग बात है कि मम्मी गुस्सा करती है, बट जो भी हो मेरे को अच्छा लगता है, तो इसलिए मैंने दे दिया, और मम्मी था नहीं तो मैं दे देते हैं। और थोड़ी देर बाद तुम लोग यहाँ पे अपना मैरिनेट का चिकन डाल देना। डाल देने के बाद हाई फ्लेम पे दे के 5 मिनट तक, हाई फ्लेम पे 5 मिनट तक अच्छे से इसको बस घिसते रहना। ठीक है, ऐसा नहीं कि तुम बस इसको एक ही बार घिस के रख दे, नहीं, तो पूरा अच्छे से इसको फ्राई करना पड़ेगा हाई फ्लेम पे, जो कि एक्चुअली फ्राई होगा नहीं, बट जस्ट से कि तुमको यहाँ पे एकदम 5 मिनट तक इसको अच्छे से मसाले सब मिक्स करना पड़ेगा। उसके बाद हमको एक बोल में थोड़ा सा पानी गर्म करना पड़ेगा, जो कि हम लोग इस चिकन को बॉयल होने के लिए रखेंगे, और थोड़ा सा ये जितने भी तुम लोग मसाले लिए हो उसको थोड़ा सेविंग्स करने के लिए मिलेगा, कुछ नहीं ऐसा तो हम लोग उसको वेस्ट नहीं करने दे सकते। सो या तुम्हारा मसाला भी बच गया, और मैं यहाँ पे आलू ऐड करना भूल गया, जो कि मेरे को ऑब्वियसली पाप लगता, तो मैंने एक साथ आलू भी दे दिए। और 5 मिनट बाद ये कुछ ऐसा इसका कलर हो जाएगा, उसके बाद वो तुमने जो भी गर्म पानी किया था उसको डाल देना, फिर अपने स्वाद अनुसार नमक
और जो जो चीज़ें हैं, मिर्च मिर्च जो भी चीज़ें हैं सब कुछ डाल के, और चीनी मेरे पे मैंने यहाँ पे चीनी इसलिए दी क्योंकि चीनी थोड़ा सा मतलब खाने का स्वाद को बैलेंस करता है, और सब कुछ मिला के बस 15 मिनट से लेके 20 मिनट तक, उससे ज़्यादा नहीं, इसको एकदम लो फ्लेम पे ढक के तुमको कुक करने देना है, ठीक है? नहीं तो तुम्हारा चिकन एकदम से गल जाएगा। पंद्रह से 20 मिनट के बाद यहाँ पे तुम देख सकते हो अपना एक आलू का मटर हो चुका है। वो खुनती ने भाई उसको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दिया जो भी हो, तो इसके बाद हमको पता भी चल गया कि सब कुछ बॉईल हो चुका है। आलू बॉईल में मतलब तुम्हारा एकदम रेसिपी कंप्लीट, ठीक है? चिकन बॉईल हो या ना हो बट आलू बॉईल होना चाहिए। और साथ में मेरा फ्रेंड्स देख रहे हैं कि तुम्हारा भाई थोड़ा पतला हो रहा है, ठीक है? इग्नोर दैट। फिर थोड़ा सा एक चम्मच वो लेके क्या बोलते इसको गरम मसाला लेना, ठीक है? होता है फिर गरम मसाला एक चम्मच दे के इसको अच्छे से हाई फ्लेम पे तुमको पकाना है, ठीक है? तभी तभी तुमको यहाँ पे इसका असली मसाला पूरा अंदर से आएगा। और फिर तुमको 2 मिनट के लिए इसको ढक के रखना है ताकि गरम मसाले का जो गंध होता है वो एकदम तुम्हारे चिकन के साथ मिल जाए। एक तो गंध चल जाएगा तुमको चिकन खाने में मजा नहीं आएगा, ये ट्रिक बोल रहा हूँ मैं तुमको, ठीक है? इसको बस मैं ही बोल सकता हूँ और कोई नहीं बोल सकता, याद रखना इसको। अब 2 से 3 मिनट बाद तुम लोग का चिकन बॉईल होके रेडी हो चुका है, रेडी टू ईट हो चुका है। अब तुमको जितना चाहे तुम इसको मतलब इसका ग्रेवी को उड़ा सकते हो, ठीक है? तो मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रेवी रखा है क्योंकि राइस सब खाना पड़ता है ना इसलिए। और दैट्स इट गाइस, आई नो थोड़ा सा शॉर्ट काइंड ऑफ वीडियो बना है, या फिर तुम बोल सकते हो लॉन्ग 7 मिनट का वीडियो, लॉन्ग टाइम का ये, बट जितना डिटेल्स हो सकते हो मैं तुमको कम पे दिया हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दो यार, और क्या ही बोल सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो पे क्या बनाता हूँ मैं, तुम लोग कमेंट करो